नमस्ते बच्चों, आज हम हिंदी में पढ़ेंगे तीसरा पाठ बस की यात्रा। इसके लेखक है हरिशंकर परसाई। तो हरिशंकर जी परसाई ने जो ये यात्रा संस्मरण लिखा है, इसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं शब्दार्थ की। तय यानी निश्चित करना, आदि जरूरी का मतलब आवश्यक, सफर का मतलब यात्रा, श्रद्धा का मतलब सम्मान की भावना, खूब बहुत वयोवृद्ध बहुत बूढ़ी सखियाँ सैकड़ों साल अनुभव तजुर्बा और कष्ट अपील। तो आज हम ये हरिशंकर जी परसाई द्वारा लिखित पाठ पढ़ेंगे। हम पांच मित्रों ने तय किया कि शाम की 4 बजे की बस से चले पन्ना से। किसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन से आगे जाके मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम दो में से दो को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस में सफर नहीं करते, क्योंकि रास्ते में डाकू मिलते नहीं, बस डाकू है। इसमें लेकर अपने चार मित्रों के साथ शाम 4 बजे की बस से पन्ना पहुंचना चाहता है, और बस में उन्हें इस बस की कंपनी की गाड़ी मिलती है जो उन्हें सतना पहुंचा देती है। यह गाड़ी पन्ना में 1 घंटे बाद मिलती है। इस गाड़ी में उनकी जबलपुर जाने वाली ट्रेन मिल सकती है। ये लोग सुबह घर पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि इन मित्रों में से दो को सवेरे काम पर जाना था। सुबह पहुंचने के लिए और दूसरा रास्ता कोई नहीं था। जब उन्होंने इस बारे में लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि कोई भी समझदार आदमी शाम वाली बस से यात्रा नहीं करता, क्योंकि लेखक ने लोगों से पूछा कि क्या रास्ते में डाकुओं के हमले का भय होता है। लोगों ने फिर करते हुए कहा नहीं, बस ही डाकनी के समान थी, यानी बस कहीं भी कभी भी रास्ते में खराब हो सकती है, यानी इस यात्रा से यात्री को घोर संकट हो सकता है। बस को देखा तो श्रद्धा मंत्री बहुत ही वयोवृद्ध थी, यानी बहुत पुरानी या बहुत बूढ़ी थी। तो सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थे लोग, इसलिए इसमें सफर नहीं करते या नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वयोवृद्ध जैसे बुढ़ापे में शरीर पूर्ण रूप से चलने योग्य नहीं होता, उसी प्रकार पुरानी बसों में कभी भी हम धोखा खा सकते हैं, कभी वो खराब हो सकते हैं, कभी ब्रेक फेल हो सकते हैं, है ना। वह सिर्फ पूजा के योग्य थे, उस पर सवार कैसे हुआ जाए। लोग समझदार उनमें कभी सफर करना ही नहीं चाहते थे। एक बड़ी बूढ़ी बस पर सवारी करना असभ्यता ही मानी जाती थी। लेखक को लगा कि वह बस अब एक जगह खड़े कर दी जानी चाहिए। लोग उस प्राचीन समय का की बसों का दर्शन करना चाहते थे, लेकिन इससे यात्रा करने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। लेकिन ये सोच रहा था कि मैं कहीं इस बस में यात्रा करूँगा तो निश्चित रूप से वो मुझे अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुँचाएगी। सचमुच हम उस बस कंपनी के एक रिश्तेदार भी उस बस में जा रहे थे। हमने पूछा बस चलती है, वो बोले चलती क्यों नहीं, चलती तो है जी, अभी चलेगी। हमने कहा वही तो हम देखना चाहते हैं, इसे आप चलती है ये? जी हाँ, और कैसे चलेगी, गजब हो गया, बस अपने आप चलती है। हम माता पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा डरो मत, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में बैठा करके ये बस चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे हमारी कोई अंतिम विदाई हो रही। उनकी आंखें कह रही थी आना जाना तो लगा रहता है, आया ऐसे जाएगा राजा अनंत फकीर। आदमी की खोज करने के लिए निमित्त होना चाहिए, एक बहाना होना चाहिए, जाने का एक बहाना होता है जीवन में। कहते हैं ना जीवन के अनेक बहाने होते हैं, जीवन रक्षा के अनेक सहारे होते हैं, मौत के अनेक बहाने होते हैं। तो जिस बस में हम यात्रा करनी थी उस बस
कि कंपनी के रिश्तेदार भी हमारे साथ यात्रा कर रहे थे और उन्होंने कहा बस चलेगी, बस चली, अपने आप चली। यानी लोग हमें जो छोड़ने आए थे उन्होंने ये सोचा कि ये हमारी अंतिम यात्रा है। सचमुच हम बस में बैठे, बस स्टार्ट हो गई, ऐसा जैसे हमारी बस ही इंजन और हम उसके ऊपर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनमें से हमें बचना था, यानी वो भी धड़ा रहे थे। हम फौरन खिड़की से दूर तरह के इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। सचमुच बस चलती और मैंने लगा कि गांधी जी के सहयोग और सहमी है, अवधि आंदोलन के वक्त अवश्य जवान नहीं होगी, उसे ट्रेनिंग मिल चुकी है, एक हर हिस्से से एक दूसरे का सहयोग कर रहे थे। बस पूरी तरह सहमी अवधि आंदोलन के दौर से गुजर रही थी, सीट कबाडी से असहयोग मिल रहा था, एक दिशा दूसरे हिस्से से सहयोग कर रहा था, पूरी बस सहमी अवधि आंदोलन के दौर से गुजर रही थी, सीट का बॉडी में असहयोग चल रहा था। कभी सीट बॉडी को छोड़ के अलग हो जाती, कभी खसक जाती है, इस प्रकार 8-10 मील तक चलने पर सारे भेद मिट जाते। एकाएक बस आगे जाके रुकी, फिर चलना शुरू होगी, लगता बस का हर हिस्सा अब अलग अलग हो जाएगा। ये दृश्य देख करके हमें गांधी जी के असहयोग आंदोलन की याद है। आगे जाके बस निकाय रुकी, मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। बाल्टी में ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकाल करके उसको बगल में रखा और नली डाल करके इंजन में भेजने लगा। ये उम्मीद कर रहे थे हम कि थोड़ी देर बाद में बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकाल करके गोद में रख लेंगे और उसे पेट्रोल की नली में से पिलाएंगे, जैसे माँ अपने बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है ना, उसी प्रकार। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई, मुझे उसके हिस्से काफ़ी हिस्से पर काफ़ी भरोसा नहीं था, ब्रेक फेल हो सकता था, स्टेयरिंग घूम सकती थी, प्रकृति के दृश्य लुभाव नहीं थे, लेकिन दोनों तरफ हरे भरे जंगल, पेड़, पशु पक्षी, जिनको देख करके भी मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था, जो भी पेड़ आता डर लगता कि अब हमारी बस उस बस पेड़ से नहीं टकरा जाए। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार होता, झोल खाती दिखती बस, जैसे कोई बस चल रही होती तो हमें ऐसा लगता कि बस गोल गोल चल रही है, एक ही जगह चल रही है। एकाएक फिर बस रुकी, ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें निकाली और सहमी अवधि आंदोलन शुरू हो गया। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, ये तो कोई इत्तेफाक की बात है, 8 बस खराब हो गई, क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वो बस बड़ी दयनीय स्थिति में खड़ी रही। लगता था जैसे कोई वृद्ध या वृद्धा चलने के बाद भी थोड़ी थक जाती है, हमें ग्लानी हो रही थी कि बेचारी के ऊपर हम बैठ के जा रहे हैं या हम उनके ऊपर लटके जा रहे हैं, अगर उसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान, बियाबान का मतलब बच्चों होता है सुनसान, सुनसान जंगल में ही इसकी हमें अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। हिस्सेदार इंजन खोल रहा था और कुछ सुधार कर रहा था, बस आगे चली और उसकी चाल कम हो गई, धीरे धीरे वृद्धा की आंखें, इस प्रकार एक वृद्धा की आंखें की ज्योति है वो कम होती जाती है, उसी प्रकार उसकी रोशनी भी कम हो गई। चांदनी में रास्ते में, यानी चांद की चांदनी में बस रेंगती रेंगती आगे बढ़ रही थी, आगे से या पीछे से कोई बस आ जाती थी एकदम साइड देकर के किनारे पर खड़ी हो जाती, जब सामने वाली बस निकल जाती तो ये निकलने टाइम जैसे बोलती कि बेटी तू पहले चल, मैं तो बूढ़ी हूँ, मैं धीरे धीरे चलूँगी, अपनी तो उम्र चलने की नहीं है। कहने का मतलब बच्चों कि ये यात्रा वर्णन है और इस यात्रा वर्णन में लेखक अपनी यात्रा का बड़ा ही तन्मयता के साथ में उस यात्रा का वर्णन कर रहा है, तो आगे का पाठ हम बाद में पढ़ाएंगे, तब तक दो छोटे छोटे सवाल हम आपको दे देते हैं जिनको आप करोगे। पहला प्रश्न लिखिए, लेखक और उसके मित्रों
बस में जाने का निश्चय किया। लेखक और उसके मित्रों ने कितने बजे कि बस में जाने का कितना लेखक और उसके मित्रों ने 4 बजे की बस में जाने का निश्चय किया, ठीक है ना। प्रश्न नंबर दूसरा देखिए, लोगों ने लेखक और उसके साथियों को क्या सलाह दी। उत्तर में बच्चों लिखना है, लोगों ने लेखक और उसके साथियों को उस बस में सफर न करने की सलाह दी। ये 2 प्रश्न बच्चों आप कर लेना और इस पाठ के आगे के भाग में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।